द टॉपिक वी विल भी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इज़ विजुअल पाथ वे एंड द लीजनस इन द विजुअल पाथ वे दैट इज़ विजुअल फील्ड इफेक्ट्स सो अगर हम लोग को स्पेशल सेंसेस में कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना हो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जिसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है तो वो यही टॉपिक है अगर स्पेशल सेंसेस से कोई क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में चांसेस यही होते हैं कि वो क्वेश्चन जो होगा वो इसी टॉपिक से होगा तो इस टॉपिक को अब हम लोग डिटेल में समझते हैं सो so, ये स्कीमेटिक डायग्राम है जिससे हम लोग विजुअल पाथवे को समझेंगे इसके अंदर हमने दो आई रिप्रेजेंट किया हुआ है एक राइट right आई है और एक लेफ्ट आई है ये जो है दोनों आई का विजुअल फील्ड है मतलब राइट आई का एक विजुअल फील्ड होगा मतलब वो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग लेफ्ट आई को क्लोज़ करते हैं तो हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलता है वो भी राइट आई की वजह से और अगर हम लोग राइट आई को, को क्लोज कर देते हैं तो हम लोगों को यहाँ से यहाँ देखने को मिलता है वो भी लेफ्ट आई की वजह से तो ये दोनों आईज़ का अपना अपना इंडिविजुअल विजुअल फील्ड है ये राइट आई का विजुअल फील्ड है और ये लेफ्ट आई का विजुअल फील्ड है अब अगर हम लोग बात करें तो विजुअल फील्ड को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं एक जो नेजल साइड की तरफ विजुअल फील्ड है उसको हम लोग नेजल पार्ट कह देते हैं नेजल नेजल पार्ट ऑफ विजुअल फील्ड और जो टेम्पोरल साइड की तरफ प्रेजेंट है उसको हम लोग टेम्पोरल पार्ट ऑफ द विजुअल फील्ड कह देते हैं सिमिलरली लेफ्ट लेफ्ट आई के लिए जो विजुअल फील्ड होता है उसका नेज़ल पार्ट इधर हो जाएगा और टेम्पोरल पार्ट ये हो जाए इधर हो जाएगा अब क्या होता है कि हमें पता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है अगर हम लोग इस आई का ये रेटिना मान लेते हैं लेफ़्ट आई को अगर हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं और अगर हम लोग इसको इसका रेटिना मान लेते हैं तो लाइट तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नेज़ल साइड नेज़ल विजुअल फील्ड में प्रेजेंट होगा तो इसकी लाइट कभी भी यहाँ तो कभी फॉल नहीं कर पाएगी क्योंकि इसके लिए स्ट्रेट लाइन जो होता है वो इधर होता है उसी तरह टेम्पोरल पार्ट ऑफ द विजुअल फील्ड में अगर कोई ऑब्जेक्ट लाई करता है तो उसकी जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रैवल आ ट्रैवल करती है मतलब ये लाइट एक तरह से क्रिसक्रॉस फॉर्म में ट्रैवल करती है और ट्रैवल कर कर के आ करके वो रेटिना पे फॉल करती है अब ये जो रेटिना है रेटिना के जो कैंगलियनिक लेयर होते हैं उसके जो एग्जॉन्स होते हैं वो मिल करके फाइबर्स बनाते हैं जो कि आगे ऑप्टिक नर्व बनाता है तो मतलब रेटिना को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक जो नेजल पार्ट ऑफ द रेटिना है और एक जो टेम्पोरल पार्ट ऑफ द रेटिना है तो नेजल पार्ट ऑफ द रेटिना से नेजल फ़ाइबर्स एराइज़ होंगे और टेम्पोरल पार्ट ऑफ द रेटिना से टेम्पोरल फाइबर्स एराइज़ होंगे तो अगर हमसे पूछा जाए कि टेम्पोरल पार्ट में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो रेटिना के किस पार्ट ऑफ द रेटिना के किस पार्ट के फाइबर्स उसको परसीव करेंगे तो टेम्पोरल पार्ट के ऑब्जेक्ट को रेटिना के नेजल पार्ट के फ़ाइबर्स परसीव करेंगे उसी तरह नेजल विजुअल नेजल पार्ट ऑफ द विजुअल फील्ड ऑफ द लेफ्ट आई क्या में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको रेटिना का टेम्पोरल पार्ट ऑफ द टेम्पोरल पार्ट ऑफ द रेटिना के फाइबर्स उसको परसीव करेंगे तो ये हम लोगों को समझ में आ गया तो रेटिना से टोटल दो तरह के फाइबर्स निकलते हैं चाहे वो राइट आई हो चाहे वो लेफ्ट आई हो एक जो नेजल साइड से निकलते हैं उन्हें हम लोग नेजल फाइबर्स कहते हैं दोनों ही केस में और जो टेम्पोरल साइड से निकलते हैं उनको हम लोग टेम्पोरल फाइबर्स कहते हैं अब ये जो नेजल और टेम्पोरल फ़ाइबर्स आते हैं ये नेजल और टेम्पोरल फाइबर्स जब आई से निकलते हैं तो ये बनाते हैं ऑप्टिक नर्व अब ये जो ऑप्टिक नर्व होता है मतलब इसके ऑप्टिक नर्व के अंदर इपसीलेट्रल टेम्पोरल और इप्सी नेजल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं अब ये यूनिलेट्रल बाईलेट्रल ईपसीटरल कॉन्टा ये सारे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे हम लोग इस केस के लिए अगर हम लोग समझे कि यूनिलेटर मतलब क्या होगा कि अगर कोई एक आई इफेक्टेड है तो उसको हम लोग यूनिलेट्रल कह देंगे बाईलेटरल क्या होगा अगर दोनों आईज अफेक्टेड होंगे तो उसको हम लोग बाईलेटरल कह देंगे इप्सीटरल क्या होगा अगर सेम साइड ऑफ द आई इफेक्टेड होगा विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग मतलब इस ऑप्टिक नर्व के लिए ये आई ऐप्सीटरल हो गया और वही कॉन्ट्राट्रल क्या हो जाएगा अपोजिट साइड ऑफ द आई इफेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग मतलब इस नर्व के लिए ये आई कॉन्ट्रा लेटरल हो गया इस नर्व के लिए ये आई एप्सीटरल हो गया तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता है तो ये ऑप्टिक नर्व एक्चुअली में किस नर्व से मिलकर के बना है ये इप्सीटल टेम्पोरल फाइबर से मिलकर के बना है और इप्सीटरल नेजल फाइबर से बन के बना है मतलब इधर वाला ऑप्टिक नर्व इधर ही वाली आई के टेम्पोरल और नेज़ल फाइबर से मिल कर के बना है अब क्या होता है कि ये जो नेजल फ़ाइबर्स होते हैं ये दोनों के दोनों तरफ के आई के नेज़ल फ़ाइबर्स आकर के डेकसेट करते हैं ऑप्टिक काज्मा पे और जो इनके टेम्पोरल फ़ाइबर्स होते हैं वो वैसे ही निकल जाते हैं तो ऑप्टिक काज्मा पे एक्चुअली में डेकसीशन किसका होता है तो वो नेजल फ़ाइबर्स का होता है ऑफ बोथ हाई मतलब यहाँ पे बाइलेट्रल नेजल फ़ाइबर्स प्रेजेंट होते हैं ऑप्टिक काजमा में कभी भी हम लोग टेम्पोरल फाइबर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं अब क्या होता है कि जब ये डिकसेट कर जाते हैं तो ये फ़ाइबर्स जो कि नेजल फ़ाइबर्स होंगे और जो ये टेम्पोरल फाइबर्स आ रहे हैं ये दोनों मिलकर के ऑप्टिक ट्रैक्ट बना देते हैं मतलब ऑप्टिक ट्रैक्ट जो होता है वो एप्सीटल टेम्पोरल और कॉन्ट्रेटल नेजल फाइबर से मिल करके बना होता है तो ऐसा क्यों क्योंकि हम लोगों को साफ दिख रहा है कि ये जो ऑप्टिक ट्रैक्ट है उसके अंदर ये एप्सीटल जो टेम्पोरल फाइबर से मतलब कि इसी साइड के आई के टेम्पोरल फाइबर्स आ रहे हैं और अपोजिट साइड के आई के नेजल फाइबर्स आ रहे हैं इसलिए हमने कहा कि ऑप्टिक ट्रैक्ट जो होता है वो मिलकर के बना होता है ईप्सी टेम्पोरल और कॉन्ट्रा नेजल फाइबर से बना होता है फाइनली ये ऑप्टिक ट्रैक ट्रैक जो होते हैं वो एंड करते हैं कहाँ पे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पे तो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पे भी कौन से फाइबर्स प्रेजेंट होंगे वही जो आ रहे हैं दैट इज इपसी टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालेटल नेजल अब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से ये फाइबर्स निकलते हैं फिर से दैट इज इपसीलेटल टेम्पोर एंड कंट्रालेटरल नेजल फाइबर्स निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिक रेडिएशन एंड फाइनली वो जाकर के एंड करते हैं विजुअल कॉटिक्स में जो कि ऑक्सीपिटल लोप पे सिचुएटेड होता है अब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी एक्चुअली में इस विजुअल पाथवे के अंदर आता है जबकि मीडियल जेनिकुलेट बॉडी जो होता है वो ऑडिटरी पाथवे में आता है तो यहाँ पे जनरली कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि लेटरल जेनिकुलेट बॉडी विजुअल पाथवे में आता है या फिर मीडियल जेनिकुलेट बॉडी विजुअल पाथवे में आता है तो इसका एक नॉर्मल सा ट्रिक है क्योंकि लेटरल जेनिकुलेट बॉडी की स्पेलिंग एल से स्टार्ट होती है और लाइट की स्पेलिंग भी एल से स्टार्ट होती है तो एल फॉर लेटरल एल फॉर लाइट सो दिस इज़ फॉर विजुअल पाथवे जबकि मीडियल जेनिकुलेट बॉडी की स्पेलिंग एम से स्टार्ट होती है और म्यूज़िक की स्पेलिंग भी एम से स्टार्ट होती है तो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी इज़ फॉर ऑडिटरी पाथवे जो कि हियरिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये हमने देखा कि कैसे लाइट जो है वो ट्रैवल करती है पहले वो आ, पहले वो रेटिना पे फॉल करती है रेटिना पे फॉल करने के बाद जाती है वो ऑप्टिक नर्व के पास ऑप्टिक नर्व से पहुंचती है ऑप्टिक काज्मा पे ऑप्टिक काज्मा से जाती है ऑप्टिक ट्रैक्ट के पास और ऑप्टिक ट्रैक्ट से जाती है लेटरल जेनेकलेट बॉडी फिर वहाँ से ऑप्टिक रेडिएशन से होते हुए ये पहुँच जाती है विजुअल कॉटिक्स या फिर ऑक्सीपिटल लोब पे तो ये हमने देखा विजुअल पाथवे के बारे में अब हम लोग देखेंगे लीजन्स जो कि विजुअल पाथवे में देखने को मिलते हैं सो so अब हम लोग डिस्कस करेंगे लीजन्स इन द विजुअल पाथवे बट उसके पहले कुछ बेसिक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं विजुअल फील्ड के डिफेक्ट्स के बारे में अगर हम लोग इसको एक विजुअल फील्ड मान के चलें और ये पूरे विजुअल फील्ड के अंदर उस पर्सन को कुछ नहीं दिख रहा है मतलब पूरा डार्क है तो उसको हम लोग कंडीशन कहते हैं एनोपिया नेक्स्ट अगर एक विजुअल फील्ड है जिसके अंदर उसे हाफ ऑफ द पोर्शन नहीं दिख रहा है और हाफ ऑफ द पोर्शन दिख रहा है जैसे इस केस में यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हेमी एनोपिया मतलब आधा एनोपिया आधा ब्लाइंडनेस हैमी एनोपिया अब हम लोग इस केस को डिस्कस करते हैं जिसमें ये लेफ्ट साइड के आई का विजुअल फील्ड है और ये राइट right साइड के आई का विजुअल फील्ड है दोनों में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हाफ ऑफ ब्लाइंडनेस है तो इस वजह से इसको हैमी एनोपिया तो कहेंगे ही अब दोनों ही ब्लाइंडनेस का डायरेक्शन हम लोग थंब को रख करके देख सकते हैं कि इस वाले आई का ब्लाइंडनेस इस तरफ है और इस वाले आई का भी ब्लाइंडनेस इस तरफ है तो दोनों क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग होमोनिमस हेमियनोपिया कहते हैं और दोनों ही क्योंकि राइट साइड डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग राइट साइडेड होमोनिमस हेमियनोपिया कहते हैं जबकि इस विजुअल फील्ड इफेक्ट में हम लोग को दिख रहा है कि ये जो लेफ्ट साइड का विजुअल फील्ड है उसका टेम्पोरल साइड इफेक्टेड है जबकि ये वाले का दैट इज़ राइट साइड का जो विजुअल फील्ड है उसका भी टेम्पोरल साइड इफेक्टेड है तो ये भी दोनों ही आई में हम लोगों को आधा आधा ब्लाइंडनेस देखने को मिल रहा है जिस वजह से हैमीएनोपिया तो यूज़ करेंगे ही हम लोग पर यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि जो डायरेक्शन है एक साइड दैट इज़ राइट साइड का जो ब्लाइंडनेस का डायरेक्शन है वो इस तरफ है और जो लेफ्ट साइड का जो ब्लाइंडनेस का डायरेक्शन है वो इस तरफ है और दोनों ही अपोजिट साइड में है इस वजह से इसको हम लोग हेट्रोनिमस हेमीनोपिया है कहते हैं और क्योंकि दोनों ही टेम्पोरल साइड को इफेक्ट कर रहा है इस वजह से इसको हम लोग बाई टेम्पोरल हेट्रोनिमस हेमिनोपिया कहते हैं उसी तरह इस कंडीशन के अंदर दोनों का डायरेक्शन वंस अगेन अपोजिट है और वो नेजल पार्ट ऑफ द विजुअल फील्ड इफेक्ट को इफेक्ट कर रहा है इस वजह से इसको हम लोग बाई नेजल हेट्रोनिमस हेमियनोपिया कहते हैं तो ये बेसिक्स हमने देखा लीजन्स ऑफ विजुअल फील्ड इफेक्ट के बारे में अब हम लोग एक्चुअल लीजन्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे अब हम लोग एक एक करके सारे लीजन्स को डिस्कस करेंगे जो कि हम लोग विजुअल पाथवे में देखते हैं जिसमें सबसे पहला लीजन हम लोग देखेंगे एट द लेवल ऑफ ऑप्टिक नर्व मतलब अगर ये लेफ्ट लेफ़्ट आई को ही हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में कंसिडर करें अगर लेफ़्ट आई के ऑप्टिक नर्व जिसको ये कहें ये ऑप्टिक नर्व है इस लेवल पे अगर हम लोगों को कोई लीजन देखने को मिलता है तो इस लेवल का अगर हम लोगों को कोई लीजन देखने को मिलता है तो इस वजह से क्या होता है वो हम लोग सबसे पहले कंसिडर करेंगे कि इस लीजन की वजह से क्या होता है कि अगर ऑप्टिक नर्व के लेवल पर हम लोगों को लीजन देखने को मिलेगा तो इप्सी लेटल एनोपिया का कंडीशन डेवलप हो जाएगा अब ऐसा क्यों होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो अगर यहाँ का दैट इज़ ऑप्टिक नर्व अगर यहाँ का डैमेज होता है तो इसकी वजह से टेम्पोरल और नेज़ल फाइबर्स दोनों ही इसके आगे इन्फॉर्मेशन को कैरी नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो रेटिना होगा इसका कोई काम नहीं होगा ये कोई इमेज को परसीव नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से इस आई का पूरा ब्लाइंडनेस हो जाएगा ना टेम्पोरल साइड दिखेगा ना नेजल साइड दिखेगा तो इस कंडीशन को क्या हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो हमारा राइट right आई है वो तो नॉर्मल है लेकिन लेफ्ट आई जो है वो पूरा का पूरा ब्लाइंड हो चुका है इसलिए ये इप्सी एनोपिया का कंडीशन डेवलप हो चुका है मतलब इस केस में लेफ़्ट साइडेड एनोपिया डेवलप हो चुका है नाउ हम लोग नेक्स्ट लीजन डिस्कस करेंगे जो कि होता है एट द लेवल ऑफ ऑप्टिक काज्म अब ऑप्टिक काज्म के लेवल पे अगर कोई लीजन डेवलप होता है तो उसकी वजह से बाइलेट्रल नेजल फाइबर्स जो होंगे वो इफेक्टेड हो जाएंगे मतलब ये जो ऑप्टिक काज्म है ये एक्चुअली में यहाँ पे फाइबर्स कहाँ से आ रहे थे तो वो दोनों ही साइड के आई के जो नेजल फ़ाइबर्स थे वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लेकर के आ रहे थे मतलब अगर ऑप्टिक आइज पे लीजन आ गया तो उस वजह से ना ये नेजल फ़ाइबर्स इमेज को परसीव कर पाएंगे और ना ये फ़ाइबर्स जो होंगे वो लाइट को परसीव कर पाएंगे जिस वजह से यहाँ पे जो टेम्पोरल साइड ऑफ द विजुअल फील्ड के जो जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही थी वो भी नहीं बन पाएगी और इस आई के लिए जो विजुअल फील्ड था उसके टेम्पोरल साइड पे अगर कोई इमेज था तो उस कोई ऑब्जेक्ट था तो उसकी इमेज भी नहीं बन पाएगी मतलब दोनों ही विजुअल फाइल फील्ड के टेम्पोरल साइड जो होंगे वो ब्लाइंड हो जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी कि दोनों ही आई के जो टेम्पोरल साइड हैं वो इफेक्टेड अफेक्टेड हो गए हैं इस कंडीशन के अंदर और इस कंडीशन को हम लोग फिर से नोमिन अगर इस कंडीशन की करें तो हम लोग को पता है कि ये आई का हाफ पार्ट जो है वो इफेक्ट हुआ है इस वजह से इसको हम लोग हैमीएनोपिया कहेंगे क्योंकि दोनों का ही डायरेक्शन अपोजिट है तो इस वजह से हेट्रोनिमस हेमिनोपिया कहेंगे और टेम्पोरल साइड को इफेक्ट कर रहा है इस वजह से बाई टेम्पोरल हेट्रोनिमस हेमिनोपिया इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं नाउ नेक्स्ट कंडीशन है जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो इफेक्टेड जो लीजन है वो ऑप्टिक ट्रैक्ट के लेवल पे देखने को मिल रहा है तो अगर ऑप्टिक ट्रैड के लेवल पे हम लोगों को कोई लीजन देखने को मिलता है तो उस वजह से क्या होगा कि जो सेम साइड का आई है मतलब इपसी टेंपोरल टेम्पोरल फ़ाइबर और जो अपोजिट साइड के आई हैं उनके नेजल फ़ाइबर मतलब कॉन्ट्रालेटरल नेजल फ़ाइबर ये अफेक्टेड हो जाएंगे जिसकी वजह से अब अगर ये वाले टेम्पोरल फ़ाइबर अफेक्टेड हो गए और ये वाले नेजल फ़ाइबर अगर अफेक्टेड हो गए तो इसकी वजह से जो नेजल साइड का विजुअल फील्ड है लेफ्ट आई का वो अफेक्टेड हो जाएगा और इसकी वजह से जो टेम्पोरल साइड का विजुअल फील्ड है राइट right आई के लिए वो अफेक्टेड हो जाएगा मतलब इस केस में जो कंडीशन डेवलप हो रही है वो कहीं ना कहीं इस तरह की कंडीशन डेवलप होगी जिसमें लेफ़्ट आई का तो नेजल पार्ट इफेक्ट हो गया है नेज लेफ़्ट आई के विजुअल फील्ड का नेजल पार्ट इफेक्ट हो गया है और जो राइट right आई का जो विजुअल फील्ड है उसका टेम्पोरल पार्ट इफेक्ट हो गया है अब इस कंडीशन में भी हम लोगों को हाफ ऑफ द आई इफेक्टेड देखने को मिल रहा है दोनों ही आई तो हम लोग इसको हैमीअनोपिया कहेंगे दोनों का डायरेक्शन ब्लाइंडनेस का सेम है इस वजह से इसको हम लोग होमोनिमस हेमीनोपिया कहेंगे और राइट साइडेड की तरफ इसका डायरेक्शन है इस वजह से इसको हम लोग राइट साइडेड होमोनिमस हेमीनोपिया कहेंगे अब ये लीजन ऑप्टिक ट्रैक्ट पे हो या फिर ये लीजन ऑप लेटल जेनिकुलेट बॉडी पे हो या फिर ये लीजन ऑप्टिक रेडिएशन पे हो कहानी तो सेम रहेगी क्योंकि फाइबर्स तो एक ही हैं हमने देखा था फाइबर्स एक ही होते हैं तीनों जगह इस वजह से ये तीनों के अंदर ही ये वाली कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है नेक्स्ट लीजन देखेंगे हम लोग विजुअल कॉटेक्स पे तो अब विजुअल कॉटेक्स अगर इफेक्ट होता है तो उसकी वजह से क्यों क्या होता है तो अब वीजुअल कॉटेक्स अगर इफेक्ट होगा तो हमें पता है कि वहाँ पे भी वही सारे फाइबर्स आ रहे हैं तो कंडीशन तो वही डेवलप होनी चाहिए जो कि यहाँ पर डेवलप हो रही थी लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है जो विजुअल कॉटेक्स है जो कि ऑक्सीपिटल लोब में प्रेजेंट होता है अगर लीजन ऑक्सीपिटल लोब के सिर्फ और सिर्फ जो मतलब जो विजुअल कॉटेक्स होता है तो जो टिप ऑफ द कॉटेक्स होता है अगर सिर्फ वहीं पे लीजन होता है तो उस वजह से जो मैकुला पार्ट होता है हमारे रेटिना का वो इफेक्टेड होता है मतलब जो मैकुला से जो भी इमेजेस जो भी लाइट परसीव करता है मैकुला पार्ट ऑफ द रेटिना वो इमेज बनाता है हमारा टिप ऑफ द काटेक्स पे तो अगर मैकुला एफेक्टेड होगा तो मतलब अगर टिप ऑफ द कॉटेक्स एफेक्टेड होगा तो मैकुलर रीजन जो होगा उसकी इमेजेस जो हैं वो अफेक्टेड हो जाएंगी तो अगर लीजन हम लोगों को सिर्फ टिप ऑफ द काटेक्स पे देखने को मिल रहा है तो इस वजह से क्या होगा कि जो विजुअल कॉटेक्स का वही वाला यही वाला सिनेरियो डेवलप होना चाहिए दैट इज़ राइट साइडेड होमोनिमस होमोनिमस हेमियनोपिया डेवलप होना चाहिए लेकिन पूरा हेमियनोपिया डेवलप नहीं होगा क्योंकि टिप ऑफ द काटेक्स पे ही सिर्फ लीजन है और टिप ऑफ द काटेक्स पे सिर्फ मैकुला के आ, आ, मैकुला की इमेज फॉर्म होती है तो इस वजह से जो मैकुलर मैकुलर जो कि मेनली सेंटर को इन्वॉल्व करता है तो सेंटर पे जो इमेज बनती है मैकुला की वजह से वही सिर्फ वहाँ पे सिर्फ ब्लाइंडनेस हम लोग को देखने को मिलेगी तो ये कंडीशन होगा राइट साइडेड होमोनिमस मैकुलर डिफेक्ट और इसको हम लोग कुकी कटर डिफेक्ट भी कहते हैं जबकि अगर लीजन पूरे विजुअल कॉटेक्स में देखने को मिल रहा है एक्सेप्ट द टिप मतलब अगर टिप ऑफ द कॉटेक्स को कुछ नहीं हुआ है मतलब मैकुलर को कुछ नहीं हुआ है तो देर इज ए कंडीशन ऑफ मैकुलर स्पेयरिंग तो पूरा कंडीशन तो ऐसा ही डेवलप होगा बस मैकुला को कुछ नहीं हुआ है इस वजह से बीच में यहाँ पे हम लोगों को आ, मतलब यहाँ पे हम लोगों को कोई डिफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा रेस्ट पूरा हम लोगों को राइट साइडेड होमोनिमस हेमिनोपिया देखने को मिलेगा विथ मैकुलर स्पेरिंग तो ये हमने ऑप्टिक ये हमने लीजन्स डेवलप किया देखा ये हमने लीजन्स देखा जो कि विजुअल पाथवे में जनरली देखने को मिलती हैं इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं क्लिनिकल क्वेश्चन भी बनते हैं जो कि पूछे जाते हैं अब हम लोग देखेंगे कि इस विजुअल पाथवे को हम लोग और सिंपल कैसे बना सकते हैं मतलब इसको और सिंपली याद कैसे कर सकते हैं और सिंपली कैसे समझ सकते हैं ताकि जब भी ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो हम विजुअल पाथवे को ईजिली ड्रॉ कर सके तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है हमें दो रेटीना बना देने हैं ऐसे करके ये दो रेटीना बना देने हैं दोनों रेटीना को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देना है जो मीडियल हाफ पार्ट होगा जो अंदर की तरफ जो हाफ पार्ट दिख रहा होगा उस अंदर के हाफ के दोनों पार्टों से क्या करना है हम लोगों को दो रस्सी निकालनी है और दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करा करके फिर ऐसे करके निकाल देना है जबकि जो बाहर से के रेटिना से जो फाइबर्स निकल रहे होंगे उनको वैसे के वैसे आने देने हैं तो यही तो हमने पढ़ा सिंपल सी बात है एक रेटीना बनाओ रेटीना से दोनों रेटीना से दो दो रस्सी निकालो जो बाहर वाली रस्सी होगी उसको वैसे के वैसे जाने दो और जो अंदर वाली रस्सियाँ होंगी उनको क्या कर दो क्रॉस करवा दो क्रॉस करवाने के बाद फाइनली इनको एक खूटी से बांध दो इस खूटी का नाम है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और जब भी कोई रस्सी हम लोग खूटी से बांधते हैं तो उसका एक छोटा सा पार्ट बाहर की तरफ लटकता रहता है उसको नाम दे दो ऑप्टिक रेडिएशंस तो ये हमारा नाम क्लियर हो जाएगा कि ये जो पहले जब रस्सी आ रही थी उसको ऑप्टिक नर्व कहा जब यहाँ पे जहाँ पे ये रस्सी एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी जो कि बीच वाली रस्सी थी उनको हमने ऑप्टिक कैजमा कहा उसके बाद जो रस्सी का जो बंडल बना उसको हमने ऑप्टिक ट्रैक्ट कहा जो खूटी थी वो लिटल जेनिकुलेट बॉडी थी और फाइनली जो उस खूटी से जो हल्का सा रस्सी का जो पार्ट निकल रहा था उसको हमने ऑप्टिक रेडिएशन कहा तो इस वजह से इस तरह से हम लोग एक तरह से विजुलाइज़ कर करके इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जब भी एग्जाम्स में हमसे ये पूछा जाता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल इफ यू वॉन्ट नोट्स फॉर दिस वीडियो और मोर सच वीडियोज मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो थैंक यू